ईशान को छोड़कर सवी धीरे धीरे जाने वाली है बाजीराव के करीब। बाजीराव अब करने वाला है सवी की हर चीज में मदद। क्या ऐसे में ईशान हो जाएगा सवी से दूर और सवी क्या करने वाली है किरण के साथ? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। जैसे कि फैंस एक्साइटेड थे कि ईशान और सवी धीरे धीरे नजदीक आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही पलट गई। मानो सुरेखा जो चाहती थी, क्योंकि सुरेखा का यही मानना था कि ईशान और सवी दूर रहे, लेकिन ईशान को सवी की ये दूरियां बर्दाश्त कहां हो रही हैं। वो तो बाजीराव को सवी के साथ देख ही नहीं पा रहा है, लेकिन सीरियल के अपकमिंग ट्रैक की कहानी भी कुछ इस ओर ही जाने वाली है, जहां पर फिर से सवी को बाजीराव की मदद लेनी पड़ेगी और ईशान कहीं ना कहीं जलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होने वाला है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। वह ईशान का दोस्त जो है ईशान के पास जाएगा और कहेगा, क्या हुआ, तो सभी के लिए इतना परेशान क्यों होता रहता है? क्योंकि ईशान बार बार सभी को फोन किए जा रहा है। तभी उसका दोस्त जब ये सारी चीजें बोलता है और कहता है, ये क्या निब्बा निब्बी की तरह तू पागल हुआ जा रहा है सभी के लिए? इस पर ईशान बौखला जाता है और कहता है, ऐसा है, मुझे सभी के पढ़ाई की टेंशन है। तो इस बात पर उसका दोस्त कहता है, अच्छा तू सभी का फादर बन रहा है? तो इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन ईशान को अब भी सभी की फिक्र हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सभी को हरिणी का कॉल आता है, जहां पर सभी पागल सी हो जाती है। वहीं पर बाजीराव भी वो ऑडियो सुनता है और कहता है, ये आदमी जो है ना किरण, वो इस किस्म का इंसान है कि कभी नहीं बदल सकता। वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरह सवी और बाजीराव जो हैं दोनों भागते भागते हरिणी के पास जाने वाले हैं, जहां पर वो हरिणी को बेहोश पाएंगे। वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही परेशान हैं। बाजीराव को भी लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह सवी और बाजीराव भागते हुए गए हैं, उसको देखकर यही लगा कि अब किरण की खैर नहीं है। वहीं हम देख सकते हैं किस तरह से हरिणी जो है वो सवी की गोद में लेटी हुई है, जहां हरिणी की हालत बेकार हो चुकी है। वहीं पर किरण जो है उसके साथ अब सवी बहुत कुछ करने वाली है, क्योंकि सवी दुर्गा माँ का रूप लेने वाली है और किरण को बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली है। वो किरण को अपने पैरों तले रौंदने वाली है और आपको देखकर ये बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सभी अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, लेकिन अब हरिणी पर बात आ गई है और हरिणी की हालत देखकर सभी बाजीराव कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ पर बार बार बाजीराव सभी की हेल्प करता हुआ नजर आता है, तो क्या ऐसे में ईशान दूर हो जाएगा या फिर ईशान कोई नया प्लान बनाएगा सभी को बाजीराव से दूर करने का? क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान जेलसी तो बहुत फील कर रहा है। पर आपका क्या कहना है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर? क्या सभी ईशान बाजीराव की तकदीर किस तरह टकराती रहेंगी, या फिर सभी ईशान और बाजीराव में से किसको चुनेगी? आपका क्या कहना है? आप किसको किसके साथ देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।